सीजेआई गोगोई ने फैसले में कहा कि हम 1946 के फैजाबाद कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली शिया वक्फ बोर्ड की सिंगल लीव पिटीशन को खारिज करते हैं। गोगोई ने कहा कि बाबरी मस्जिद मीर बाकी द्वारा बनाई गई थी। ऐसी का कहना है कि विवादित जमीन राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जमीन थी। सीजीआई रंजन गोगोई ने कहा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संदेह से परे है, इसके अध्ययन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अदालत ने निर्मोही अखाड़ा के दावे को खारिज किया। निर्मोही अखाड़ा का दावा केवल प्रबंधन का है, निर्मोही अखाड़ा सेवादार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य ढांचा इस्लामी संरचना नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं की आस्था और उनका विश्वास है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। हिंदुओं की आस्था और विश्वास है कि भगवान राम का जन्म गुंबद के नीचे हुआ था, ये व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात का प्रमाण है कि अंग्रेजों के आने से पहले राम चबूतरा सीता रसोई पर हिंदुओं द्वारा पूजा की जाती थी। अभिलेखों में दर्ज साक्ष्य से पता चलता है कि हिंदुओं का विवादित भूमि के बाहरी हिस्से पर कब्जा था। साक्ष्यों से पता चलता है कि मुस्लिम शुक्रवार को विवादित स्थल पर नमाज पढ़ते थे। इससे संकेत मिलता है कि उनका अधिकार खत्म नहीं होता है। अदालत ने कहा कि मुसलमानों ने मस्जिद नहीं छोड़ी थी, हालांकि हिंदू भी राम चबूतरा पर पूजा करते थे। उन्होंने गर्भगृह पर भी स्वामित्व का दावा किया। अदालत ने कहा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अयोध्या विवाद पर अपने मामले को स्थापित करने में विफल रहा है। मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक जगह देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि विवादित ढांचा को गिराना कानून का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वो 3 से 4 महीने के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रस्ट की स्थापना के लिए योजना बनाए और विवादित स्थल को मंदिर निर्माण के लिए सौंप दे। अदालत ने यह भी कहा कि अयोध्या में 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रदान करें।